जीतने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने गुरुवार को रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दी। और अब इसी क्रम में पुरुष पहलवान बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को अपने पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा कर दी। बजरंग पुनिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र लिखा और उसके जरिए उन्होंने अपना ये सम्मान वापस करने का ऐलान किया। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद ये कदम उठाया है। बजरंग पुनिया ने अपना सम्मान प्रधानमंत्री आवास के सामने फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग पुनिया ने नरेंद्र मोदी के नाम जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे लेकिन मैं कुश्ती की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। बजरंग ने इस पत्र में पूरी घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि भारतीय कुश्ती संघ पर एक बार फिर से ब्रिजभूषण सिंह का दोबारा से कब्जा हो गया है। उनके करीबी के इस पद पर आने से मैं आहत हूँ। उन्होंने लिखा कि मैंने देश के लिए मेडल जीते और मुझे देश की तरफ से कई सम्मान मिले जिसमें 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा मुझे खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया लेकिन इस घटनाक्रम के बाद मैं अपना सम्मान वापस कर रहा हूँ। महिला पहलवानों के अपमान के बाद मैं सम्मानित रहकर नहीं जी पाऊंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मेरी आत्मा धिक्कारेगी। ऐसी स्थिति में मैं अपना सम्मान आपको लौटा रहा हूँ। आपको बता दें गुरुवार को साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा, आज जो महासंघ का अध्यक्ष बना है हमें पता था वही बनेगा। वो ब्रिजभूषण के लिए बेटे से भी प्यारा है। जो अब तक पर्दे के पीछे से होता था अब खुलेआम होगा। हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाए। हमने हर किसी को अपनी बात बताई। पूरे देश को पता होते हुए भी सही इंसान नहीं बना। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को कहना चाहता हूँ कि शोषण के लिए तैयार रहिए। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा था कि खेल मंत्रालय ने वादा किया था कि फेडरेशन में WFI से अलग कोई आदमी आएगा। जिस तरह पूरे तंत्र ने काम किया उससे मुझे नहीं लगता कि बेटियों को न्याय मिलेगा। हमारे देश में कोई न्याय नहीं बचा है, वो केवल कोर्ट में मिलेगा। हमने जो लड़ाई लड़ी है आने वाली पीढ़ी को और लड़नी पड़ेगी। सरकार ने जो वादा किया पूरा नहीं किया।